एएसआई उमेश प्रसाद सिंह को 30,000 रुपया की रिश्वत की राशि के साथ सराय रंजन थाना कैंपस से गिरफ्तार किया गया। जो परिवादी हैं उनका स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हो गया था सराय रंजन थाना क्षेत्र में, जिस पर कांड दर्ज किया गया था। उसी में इनकी गाड़ी थाना द्वारा सीज की गई थी। परिवादी द्वारा कोर्ट से रिलीज का ऑर्डर कराया गया, जिसमें प्रतिवेदन देने के लिए एएसआई उमेश प्रसाद सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। उसी सिलसिले में सत्यापन के पश्चात सही पाते हुए आज निगरानी टीम द्वारा निगरानी मिशन ब्यूरो पटना की टीम ने सराय रंजन थाने में तैनात जमादार उमेश सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उमेश सिंह 30,000 रुपए घूस ले रहा था, तभी निगरानी की टीम वहां पहुंच गई और उसे रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद टीम उसे लेकर अपने साथ पटना गई है। निगरानी टीम के मुताबिक जमादार उमेश सिंह ने थाने में जब्त स्कॉर्पियो छुड़ाने के एवज में मथुरापुर के रहने वाले वाहन मालिक वसीम से 30,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में वाहन मालिक ने निगरानी में शिकायत की थी। निगरानी टीम ने बताया कि मथुरापुर ओपी के रहने वाले मोहम्मद वसीम की स्कॉर्पियो सराय रंजन थाने में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। पुलिस ने उस समय वाहन को जब्त कर लिया। सराय रंजन थाना में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में अर्जी लगाए। जमादार उमेश सिंह ने न्यायालय में प्रतिवेदन सौंपने के एवज में प्रतिवादी से 30,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। जानकारी के मुताबिक जमादार उमेश सिंह ने वाहन मालिक वसीम को रिश्वत लेकर थाने में बुलाया था, जहां सादे लिबास में निगरानी की टीम पहले से ही मौजूद थी। वाहन मालिक ने जैसे ही रिश्वत लिया ठीक उसी वक्त निगरानी टीम ने जमादार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अचानक हुई कार्रवाई के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। निगरानी टीम आरोपी को गिरफ्तार कर पटना ले गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक शादी समारोह में स्टिकर लगे वाहन के साथ निगरानी टीम सराय रंजन थाने के आसपास सुबह से ही चक्कर लगा रही थी। पुलिस कर्मियों को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। बता दें कि बीते साल 23 नवंबर को निगरानी विभाग की टीम ने जिले के मथुरापुर ओपी अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और वारिस नगर अंचल अधिकारी संतोष कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई की ओर से इस दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप कई भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी आज जेल में बंद है। अभी हाल में मोतिहारी के अवन निबंधक के यहाँ छापेमारी की गई थी, जिसमें उन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब उनके लॉकर की तलाश की जा रही है। एएसआई उमेश प्रसाद सिंह को 30,000 रुपया की रिश्वत की राशि के साथ सराय रंजन थाना कैंपस से गिरफ्तार किया गया। क्या मामला था सर? मामला था कि मोहम्मद वसीम जो परिवादी हैं उनका स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हो गया था सराय रंजन थाना क्षेत्र में, जिस पर कांड दर्ज किया गया था। उसी में इनकी गाड़ी थाना द्वारा सीज की गई थी। इसके बाद परिवादी द्वारा कोर्ट से रिलीज का ऑर्डर कराया गया, जिसमें प्रतिवेदन देने के लिए एएसआई उमेश प्रसाद सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। उसी सिलसिले में सत्यापन के पश्चात सही पाते हुए आज निगरानी टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़े हैं। रंगे हाथ पकड़े हैं या फिर पैसा लेते हुए रंगे हाथ हुए?